35 साल पहला हरियाणा दे विच एक अजिहा हादसा होया जिथे कि एक सोनू नां दे बच्चे जिसनों की दुनियादारी की सुरत भी नहीं सी उसकी दुनिया ही बदल के रह गई। जदों सोनू दे पिता का देहांत हो जाता है एक एक्सीडेंट के दौरान, जिस तों बाद उसके दादे अते नानके परिवार दे विच एक समझौता हुंदा, जिस तों बाद सोनू की माता हमेशा दे लई उस नूं छड के चली जांदी है, जिथे कि उस दी माता दे पेके परिवार वल्लों अपनी धी दे भविख नूं देखदे होए उसका फिर तो किते विआह कर दिता जांदा है। सोनू जो कि हुण भाई जगजीत सिंह कादियां बन चुके सी, जिन्हां ने पंजाब दे विच अते पूरी दुनिया दे विच बहुत वड्डा नाम कमाया, ते उते ही 35 साल बाद उन्हां नूं अपनी सेवा दा परमात्मा ने अजिहा फल दिता जदों उस नूं अपनी विछड़ी हुई माता मिल गई। वह वीडियो तो तुसीं सारिआं ने देखी अते अज एक खुशी भरी वीडियो तुहाडे नाल शेयर करन लगे हां, जदों भाई जगजीत सिंह कादियां अपने परिवार नूं मिलन फिर तो पहुंचे, जिथे कि अपने भरा अते दो भैणां नूं मिले अते माता नूं लैण दे लई जगजीत सिंह पहुंचे। दोस्तों तुहाडे इस परिवार बारे ते इन्हां दी खुशियां बारे जरूर कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करना, ते इस वीडियो नूं लाइक करके अगे ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी जरूर कर देना, ते होर ताज़ा खबरां दे लई बने रहना लिमिटेड ज्ञान दे नाल। हुण देखो इह पूरी वीडियो। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी, जिन्हें भी जुड़े ने, जुगराज सिंह कुहाड़ जी, ज्योति भाटिया, कौर बराड, शमशेर सिंह जी, गुरप्रीत जुल्ट, जुगराज सिंह कुहाड़ जी, अशोक जी, सारे वीरां भैणां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े साडे नाल जुड़े हो। बस हुण मैं अपनी मां नूं मिलण वास्ते जा रहा उन्हां दे घरे, तां इधर जी, इधर जी, फोन नहीं मैंने पता है चिंतपुर्णी मंदिर वाल मुड़ जाओ। हाँ जी, हाँ अगे आके ना खब्बे हाथ चिंतपुर्णी मंदिर वाल, वो गली च अगे सामने गड्डियां लगियां चार पांच। ओके जी, बस आ गए, मुड़ गए। ओके, जाके कमरे की कर लें थोड़ी बहुत। पिछे कोई समान लैंड है पे। हाँ दे मोड़ा ही इतने, कोई नहीं, उन्हें कर लो वेट, दो मिनट आओ आगे। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਲਿਓ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਐਡਿਟ ਹੋ ਜੀ ਭਾਜੀ।
Thank you.
सारे ने देख चुके हो कि मैं अज अपनी माता जी लैण वास्ते उन्होंने पिंड समाणा च आया हाँ और हूँ आप इतों रवाना थोड़े टाइम तक होवे कादिया के और उत्थे जाके थोड़े नाल दोबारा दिल दियां गल्लां किस तरह माँ का स्वागत होंगे वो सारे थोड़े नाल सांझे करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन्हां आसीसां दित्तियां सारे जिंदे वास्ते। रो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रात मेरे वास्ते काफी लंबी सी और दुखां भरी सी क्योंकि मैनू अपनी मां दे हालात और अपनी मां नू मिलना सीगा उस रात मेरे वास्ते सब तो दुखां भरी रात रही है जी। बट अज मैं अपनी मां नू अपने घर लैके जा रहा और अज की रात मेरे वास्ते सुखा भरी नींद आई और हमेशा सारी रात मेरी मां का चेहरा मेरिया नजर के सामने रहा और उदन रात नींद जिहड़ी आ दुखा करके नहीं सी आई और अज नींद आई है। बट हमेशा नींद दे विच मेरी मां मैनू बुला रही थी कि जल्दी बेटा मेरे को आ और सवेरे मैं उठा आ गुरु साहब का शुकराना किया और उस तों बाद अपने दोस्तों मित्रां दे नाल आपां रवाना हुए अज निकले हैं और मां दे दर्शन करने वास्ते जा रहे हैं। अज तो बहुत सारे रिश्ते तुसी लैके जाओगे, तुसी तो अपनी मम्मी नू लैके जाना, मां नू लैके जाना ते जिहड़े पोते ने उन्हां दी दादी भी जा रही है, एक नौ जिहड़ी है उहदी सस भी जा रही है। सो किहो जिहा माहौल घर दे विच? घर दे विच जिथे मेरे घर दे विच बहुत सारी खुशी है उस उहदे नाल नाल पूरे वर्ल्ड दे विच जिथों तक मैनू सारे वीरां भैणां ने सारिआं ने प्यार कीता आ और घर दे विच बच्चे जिहड़े आ उह काफी स्वागत वास्ते तैयारियां कर रहे ने। उत्थे मेरे गली मुहल्ले वाले मेरे पड़ोसी मैनू प्यार करन वाले मेरे शहर वासी वह भी सारे बेसब्री नाल इंतजार कर रहे कि कदों मैं उन्हां दी मेरी मां और असीं सारे जिहड़े वापस कर दिए अपने घर पहुंचना है जी। जी साडे जिहड़ी संगत है जिन्नी भी तुहाडे नाल मुहब्बत था अंतां दा प्यार जिन्हां ने जताया और तुहाडे लई अरदासां कीतियां तुहानू असीसां दित्तियां मावां ने और जिन्हां मावां दी तुसी सेवा कीती है जिन्हां मावां नू तुसी कई वारी पुत्र बन के पुत्र तो वड्डा फर्ज अदा कीता है उन्हां मावां दा भी असीसां मिलियां उन्हां नाल गलबात हुई? जी परसों तो 19 तारीख तो जदों की इह घटना वापरी है जदों तो मेरी मां मिली है ते पहला भी गुरु साहब ने मेरिया मावां दे असीसां सदका मैनू काफ़ी संगत दे विच विचरन दा मौका दिता है। बट मेरी मां ने जदों मेरे कोल आई है तां हुण दुनिया दा कोई भी अजिहा कोना नहीं रहा जिथों मैनू मावां और भैणां दे बड़े इमोशनल भरे फोन जिहड़े आ उह आ रहे आ और जदों उह फोन करदियां तां इको गल रो के उह इमोशनल हो के कहिंदियां कि तेरे वर्गा पुत्र हर एक नूं घर च नसीब होए। बट मैं अपने आप नूं इन्ने जोगा इन्ने काबिल नहीं समझदा। मैं ये कहना चाहवांगा कि मेरे मां वर्गी मां जिहड़ी उह सारिआं नूं मिले। वड्डी गल है, इहो जिही कुक है तां इक्को ही चीज मंगी बार बार कि सोनू नूं मिला दे, रब उहदे सोनू नूं मिला दे। और जिवें सोनू जी पहले भी दस चुके ने, यानी कि भाई जगजीत सिंह होणी पहला भी इह गल दस चुके ने कि किवें उह बीमार सी और किस तरीके नाल उहनां दी अंतम यात्रा का प्रबंध किया जा रहा है और उठते ने और उठ के कहते ने यमराज नू कहते ने तू वापस चला जा, मैं उन्नी देर नहीं तुहाडे नाल जाना जिन्नी देर मेरे नाल मैनू मेरा पुत नहीं मिल जाता, मेरा सोनू नहीं मिल जाता। सोनू जी कुछ लाइना होर भी तुसी लिखिया ने, मैं चाहना इस मां नू वो लाइना फिर जिहड़ियां दुनिया दियां मावां ने सारियां और पुत्र ने दुनिया के धियां पुत्र उन्हां नू भी समर्पित ने जी। वह चंद लैणा मैनू मेरे फ्रेंड ने ही दसिया सी मां वास्ते क्योंकि मेरी इन्नी औकात नहीं है कि मैं कुछ लिख सका। तुसी राजी जे अपना रब करना तां खिदमत रज रज मां दी करना, अपनी मां नू प्यार नाल वेख लैणा, घर बैठिया जिन्ने भी हज करना,
ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਜੇ ਦੱਸੋ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕਦਮ ਆਉਣ ਤੇ 50 ਕਦਮ ਜਾਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਦਮ ਤੋਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆਈ ਆ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਲ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪੀ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਜਪੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਥਾ ਸੇਵਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ,
बस मां की भगती ही होगी कि तुहाडा कोई बहाना बनना मिलाप बनना। अच्छा एक चीज आज जरूर दस्यो, कदी इत्थे दिल दे विच खिच वजदी हुंदी सी किते मां ने जोर दी पुकारिया होवे जदों याद करके सोनू, तुहानू कोई इस तरह फील हुंदा सी कुछ? जी मां दा जदों तों मैनूं पता चलिया सी कि मां की चीज है, जदों मैं विचरना शुरू किया मां बारे पता चलिया, क्योंकि अपने सज्जन मित्र मेरे दोस्त ने गोरा वीर मेरे नाल बैठा है, सुरेंद्र वीर, सुरेंद्र वीर की माता जी की डैथ करोना दे विच हुई है, और जदों इन्हां दीआं मावां नूं मैं अपनियां मावां वांग समझना, जदों इन्हां ने अपनियां मावां नूं मिलना और पुत्रां ने मावां ने अगों पुत्रां नूं प्यार करना, तां किते ना किते मेरे अंदर एक खिच पैंदी सी कि काश मेरी भी मां हुंदी तां मैं अज मैनूं अपने गल नाल लांदी। रीसेंटली तुसी मेरी जितने मैं अपनी मां नूं मिल के आया वा, तां उस दिन ही रात नूं मतलब कि मैनूं इत्थों तक पता लग गया कि मेरी मां दी जिहड़ी लत्त टुट गई आ, और मैं रात सुपने दे विच ही चीख के बोला कि मां तेरी लत्त कित्थे आ। सो ये बड़ा वड्डा एक रिश्ता आ जिहड़ा खून दा, जिहड़ा बिना किसी टैलीफोन तो बिना किसी वायर तो जिहड़ा आ ओह चंद मिंटां दे विच मां तक अरे पुत्त तक पहुंच जांदा। बिल्कुल जगजीत जी, सो बहुत सारे किरतकण लोग भी है उन्होंने इस गल की शायद समझ नहीं हैगी, जिहड़ी मां 9 महीने तुहानू भुख च रखती है, तुहानू प्यास भी तुहाडी तुहाडी भुख भी मिटांदी है, सो उस मां नू किस तरह अपना पुत जिहड़े अपने बच्चे जिहड़े ने वह विसर सकते हैं? सो क्योंकि बोटियां का रिश्ता हुंदा, अंदरां का रिश्ता हुंदा, मां दे नाल किसी भी बच्चे का अपना ही रिश्ता, क्योंकि एक शरीर तो ही दूजा शरीर अड हुंदा है। सो बिल्कुल इस मां और पुत दे इस पवित्र रिश्ते की एक अनोखी मिसाल बनी है, एक बहुत वड्डी मिसाल है, और ये जो जज्बाती पल ने भावुक पल ने जिहड़े हुण कुछ ही देर दे विच तुसीं देखोगे और इतिहासक पल हुण जा रहे ने, क्योंकि पिछले लंबे समय तो हर एक ने इहो जिहियां खबरां दा बड़िया ने देखिया ने कि पुत की तड़फ उदों खत्म होई जदों उहदी मां उहदे सामने आ और मां दे चरणां च किदां डिगदा है। तुसीं वीडियो च भी देखिया कि किवें अपनी मां दे चरणां दे विच डिग के असीस लैणी और उहनां दे कोलों उहनां गलतियां लई खिमा भी मंगणी, जाने अनजाने चलिया कि मां तू इन्नी दूर किवें रह गई, मेरे को की गुनाह हो गया। सो उह पल भी देखण ही आले सी, पर हुण दी असीं अगर गल करिए तां अज खुशी दा मौका है। ये तप कोई निक्का नहीं है, 35 साल का तप कोई निक्का नहीं है, पर भगवान नूं भी झुकना पै गया, उस रब नूं भी झुकना पै गया, और एक मां दे अगे मैं पहले दस रहा है कि जदों मां नूं डॉक्टरां ने जवाब देता सी तां उस मां ने उठ के कहा सी मैं सोनू नूं मिले बगैर इस जहान तों नहीं जाणा। तो वह मां अज सोनू दे नाल, सोनू ते खुशी का कोई टिकाणा नहीं है। सो भाई जगजीत सिंह जी, हुण अज तों बाद तुहानूं सोनू कहना ज्यादा सुनण च मजा आउण डिया कि जां भाई जगजीत सिंह? देखो जी, सोनू लवज ते मेरी मां जदों मैनूं बुलाऊगी ते मैनूं ज्यादा मजा आऊगा, बाकी सारी दुनिया वास्ते ते जिहड़ा नाम चल रहा वो ठीक है चलदा आ, बट मैं तरसदा आ कि मेरी मां जदों मैनूं सोना पुत कह के बुलाउंदी आ तां वो चीज जिहड़ी आ हुण मैनूं मिलण वाली। सो सोनू जी, अज दी जिहड़ी इत्थों माता जी दे नाल गलबात दी तैयारी है जां माता जी नूं जाके मिलना है, सो उत्थे परिवार वालों की तैयारी कीती गई, कौन कौन पहुंचा होगा? जी मैं ज्यादा क्योंकि मेरे मां की जिहड़ी आ तुहानूं दस्सिया कि तबीयत थोड़ी खराब रहिंदी है और उन्होंने मैं मना किया कि किसी किस्म का कोई ज्यादा प्रबंध करने की कोई लोड़ नहीं हैगी, आपां सिर्फ अपने घर के जी ही अपने फैमिली मैंबरस लैके आवांगे और जो भी आ जशन दियां जिस तरह भी तैयारियां हो सारियां साडे घर कादियां दे विखे अपनी मां दे घर होणगियां। बाकी मैं इत्थे उन्हां नूं जिहड़ा मना किया सी जिहड़ियां मेरियां अगों दो सिस्टर ने और ब्रदर ने सिर्फ उही उत्थे अवेलेबल ने इस टाइम। अच्छा सुनो जी, अज दा जिहड़े ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ और हुण असी बस कुछ ही मिनटां दे विच उस रब वर्गी मां दे असी भी दर्शन करांगे, तुहानू भी करावांगे और सोनू ये भी अपनी रब दे यानी कि अपनी मां दे दर्शन जिहड़े जरूर करनगे। सोनू जी, अज दा जो माहौल खुशी दा माहौल है इहदे विच मैं ये जरूर एक जानना चाहना कि परिवारक मैंबर जिहड़े तुहाडे है तुहाडे दर सारिआं दा साथ मिलिआ, सहयोग मिलिआ कि जां अजे कोई पिछे? नहीं जी, मैनूं मेरा अजिहा कोई भी इहो जिहा अज़ीज़ नहीं अज तक लभा कि जिन्हें मैनूं विश ना कीती होवे, जिन्हें मैनूं दुआ ना दित्ती होवे, तां मेरा
मेरे जिहड़े ससुराल है, मेरा सहुरा परिवार आ, मेरे साला साहब आ, मेरी सासू माँ आ, क्योंकि मैं मेरी मैरिज तो बाद मैनू सासू माँ ने भी मैनू अपने पुत्ता वांगू प्यार किया आ, और मैं भी अपने सहुरे परिवार के अज तक कभी भी जवाई बन के नहीं गया। मैं हमेशा अपना घर समझ के अपना पुत बना पुत बन के ही मैं उस घर के जाता रहा, और हर एक इंसान जिहड़ा मेरे नाल जुड़िया आ